12-14 घंटा, फिर ऐसा जेली फॉर्म में थिक होता है ब्राउन कलर में। तो रोगन एक पर्शियन वर्ड है जिसका ऑयल बेस से होता है। तो ये रोगन के साथ जो हम कलर मिक्स करते हैं वो सारे मिनरल्स हैं, पिगमेंट कुछ मिट्टी के आते हैं, कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म है, तो उसमें कुछ केमिकल मिक्स होता है 10-15%। लेकिन जो हमारा बेस है उसके अंदर मिक्स होने के बाद पूरा ये नेचुरल है, ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स किया हुआ है और उसको प्लेन पानी में रखा है, प्लेन पानी में रखा क्योंकि सूख ना जाए, अदरवाइज वो पानी के बगैर एक दिन में एकदम सूख जाता है। और इसकी जो खासियत है वो कपड़े के ऊपर फ्री हैंड होता है, मतलब पहले से कोई ड्रॉइंग या मार्किंग कुछ नहीं, इमेजिनेशन। हमारे परिवार के 400 साल की परंपरा है। अच्छा, 8वीं जनरेशन अभी इसमें मास्टर है। नीचे ये फिंगर का टेपर है वो डिजाइन को गाइड कर ली करेगा। आप खास करके आपका शुभ नाम दिशा, आप खास देख लीजिए कि कैसे डिजाइन कैसे होता है, लाइक ब्रश, यू नो ब्रश की तरह नहीं होगा ये टेपर, हाँ ये बैलेंस वो तो एक दिन में बनता कुछ नहीं है, खास करके उसको और कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस। वो फैंटास्टिक है कि कंट्रोल, तभी आपको बोला कि आप देख लीजिए, देखने को कहीं नहीं मिलेगा। और इसका आम क्राफ्ट की तरह एम्पोरियम में कोई आउटलेट भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये चीज कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला है और इसका वैल्यू आप देखेंगे जानेंगे तभी इसका वैल्यू समझ पाएंगे। फैंटास्टिक, এইভাবে ওইগুলো করেছে। हाँ।